तो चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिकली इसमें क्या करते हैं समझने की कोशिश करना। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है बच्चों को। कहता है सरफेस टेंशन आप अच्छे से समझना सोप बबल है। सोप बबल मतलब क्या होता है? आप देखे होगे बचपन में, छोटे छोटे जब आप बच्चे थे तो आप खेले होगे, तो ये एक मैं रियल सोप बबल आपको दिखा रहे हैं, तो ज़्यादा फील आ जाएगा। तो सोप बबल का सरफेस टेंशन यहाँ पे दिया हुआ, सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल इज इक्वल टू 2.0 × 10⁻²⁻ पर मीटर। ठीक है, द वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल। मान लो पहले रेडियस इसका कुछ यहाँ रहा होगा सोप बबल R1, ठीक है ना, ये रेडियस कुछ R1 रहा होगा। अब इसको मैं रेडियस ये R2 में कर दिया, ठीक है ना। तो सोप बबल के पास कुछ थोड़ा सा थिकनेस होता है अंदर। देखो सोप बबल के अंदर जो है क्या होता है सोचो, इसे बबल के अंदर क्या है? पानी है। हाँ सोप है, कुछ नहीं एयर है, तो अंदर में एयर है। तो ये जो थिकनेस होती है, ये जो थिकनेस होती है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, ठीक है ना। अंदर में भी एयर है और अगर कोई सोप बबल है तो अंदर में भी एयर है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो तुम अगर फार्मूला पढ़े होगे, ठीक है, तो फार्मूला पढ़े होगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एरिया। ठीक है, तो अगर चेंज इन एरिया देखोगे, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया यहाँ पर वो सरफेस एरिया लेते हैं जो इंटरफेस लेते हैं जो एयर की कांटेक्ट में है। तो एक अगर सोप बबल की ये वाली जो ग्रीन है, ये सोप बबल की थिकनेस कंसिडर करूँ, तो बाहर भी एयर है, इधर भी एयर है और अंदर भी एयर है, समझ रहे। तो एयर और एयर, तो एयर दो एयर का इंटरफेस है, तो जो सरफेस एरिया होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक ना। ये तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ से R2² - R1² ये। तो बस कुछ नहीं, अब इसी में सारी वैल्यू रख दो, यहाँ इतना वर्क डन होगा। तो यहाँ से वर्क डन अगर कैलकुलेट कर लोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू, तो 2 और सरफेस टेंशन की वैल्यू 2 × 10⁻², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन सरफेस एरिया 4π R², तो 4π R², R2², तो R2 कितना दिया हुआ था? तो यहाँ पर R2 जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ये 49 माइनस R1 इनिशियल था 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यह आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 535 और 5, तो ये आ जाएगा 49/4 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ - 4 मीटर। तो ये पूरा जब कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन आ जाएगा 18.48 × 10⁴ J। तो ये जो पूरा वर्क डन है, ये वाली जो चीज़ है ये हमें मिल गई, तो यही हमें चाहिए था हाउ मच वर्क डन। बच्चों को यहाँ डाउट क्या आता है कि सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके हैं, तो मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल से जुड़ना और अच्छे से तैयारी करना, मोटिवेटेड रहना, ठीक है ना। तो 18.4 × 10⁴ फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये बाकी गलत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।